दोस्तों आज की जो रेसिपी है वो है पहाड़ी झोली की रेसिपी। पहाड़ी झोली कढ़ी जैसा ही होता है। दी ओनली डिफरेंस बिटवीन कढ़ी एंड झोली इज़ कि कढ़ी में हम बेसन का इस्तेमाल करते हैं और झोली में हम चावल को पीस करके डालते हैं। पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी फेवरेट है ये झोली की रेसिपी, क्योंकि एक तो इसे बनने में कम समय लगता है, टेस्ट इसका थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लगता है कढ़ी से। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच चावल के इस तरीके से पानी में सोख करके रख लिए थे और अब हम इनको ऐड कर लेंगे एक मिक्सर जार में। मिक्सर जार में इसको ऐड कर लेने के बाद इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च, साथ में इसमें जाएगा 1 छोटा टुकड़ा अदरक का और 5 से 6 लहसुन की कलियां इसमें ऐड करके इसका एक बढ़िया पेस्ट हम तैयार कर लेंगे, जिस पेस्ट से इस पहाड़ी झोली का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो यहाँ पर मैंने दही ले ली है। दही में हम ऐड कर लेंगे अब 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर का, 1 चम्मच इसमें जाएगा लाल मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच इसमें जाएगा धनिया पाउडर का। अभी हमें इसमें नमक नहीं ऐड करना है, बस इन सारी चीज़ों को ऐड करके अब हम अच्छे से दही को फेंट लेंगे। और दही को अच्छे से फेंट लेने के बाद जो हमने पेस्ट तैयार किया था चावल का और बाकी चीज़ों का, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमें फेंट लेना है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ कढ़ाई में ऐड कर लिया है मस्टर्ड ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही उसमें ऐड कर रही हूँ 2 सूखी हुई लाल मिर्च, साथ में इसमें जाएगा 1/2 छोटा चम्मच जीरा का, 1/2 छोटा चम्मच सरसों दाना का और थोड़ा सा इसमें जाएगा मेथी दाना। सारी चीज़ें अच्छे से भुन जाएंगी तो ऐड करेंगे मिक्सचर जो हमने दही और बाकी चीज़ों से बना लिया था। अब इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 से 1.25 ग्लास पानी का और इसे मीडियम फ्लेम में तब तक हमें पका लेना है जब तक कि इसमें एक बॉयल नहीं आ जाता। तो अभी आप देख सकते हैं हमारी झोली में बॉयल आ चुका है। तो बस इसी स्टेज में अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे स्वादानुसार नमक। ध्यान रहे नमक हमें बॉयल आने के बाद ही ऐड करना है, क्योंकि अगर आप पहले ऐड करेंगे तो जो झोली है हमारी वो फट सकती है। अब इसको मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए और यहाँ पर हम बॉयल होने देंगे। तो 10 मिनट तक इसको अच्छे से हमने झोली को मीडियम फ्लेम पे बॉईल कर लिया है और ये तैयार हो चुकी है। तो आखिर में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरा पत्ता धनिया का, जिससे स्वाद इसका दुगना हो जाता है। तो ये तैयार हो चुकी है, सर्व कीजिए इसे गर्मा गर्म स्टीम राइस के साथ, क्योंकि इसे खाने का असली मज़ा तो चावल के साथ ही आता है। रेसिपी पसंद आई हो तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर होगी आपसे मुलाकात किसी और पहाड़ी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।